नमस्कार दोस्तों, टिप्स टू लर्न में मैं रविंद्र गहलोत आज पीओ गाइड पार्ट वन के इस सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम 34 से लेकर 50 क्लास तक पढ़ेंगे इस वीडियो में, और मैं आपको याद करवाना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें। दोस्तों आज 34 नंबर क्लास में बात करते हैं हम कि रेडिलिवरी टू द सेंडर और अल्टरेशन ऑफ करेक्शन ऑफ एड्रेस ऑफ पोस्टल आर्टिकल इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाई पोस्ट, यानी मतलब जो भी डाक है, जो भी पोस्ट है, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट, साधारण पोस्ट, उसका जो ट्रांसमिशन का जो प्रोसीजर है, उसके बीच में अगर किसी आर्टिकल की रीडिलीवरी सेंडर को करवानी है, एड्रेस में कोई दूसरा अल्टरेशन देना है, अल्टरेशन या करेक्शन करवाना है किसी तरह का, रिकल करना आर्टिकल को, तो वो इस क्लोज में बताया गया है दोस्तों। तो इसमें 34 नंबर में है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लॉज द सेंडर ऑफ ए पोस्टल आर्टिकल पोस्टेड इन इंडिया में हैव इट विड्रॉन फ्रॉम द पोस्ट और हैव इट एड्रेस अल्टर्ड सो लॉन्ग एज द आर्टिकल, यानी किसी आर्टिकल को ये चीज़ें करवाने के लिए, करेक्शन करवाने के लिए, अल्टरेशन करवाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, कि क्या शर्तें हैं, वो ये है कि हैज़ नॉट बीन डिलीवर्ड टू द एड्रेसी, यानी डिलीवरी को अब ये इसकी डिलीवरी नहीं होनी चाहिए एड्रेसी को, हैज़ नॉट बीन कॉन्फिसेक्टेड और डिस्ट्रॉयड बाई द कंपार्टमेंट अथॉरिटी बाई द कंट्री इन विच द आर्टिकल मे फॉर द टाइम बींग, आर्टिकल किसी तरह से डिस्ट्रॉयड नहीं होना चाहिए, हैज़ नॉट बीन सीज्ड बाई वर्च्यू ऑफ लॉ और कंट्री, किसी तरह से ये डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, नो पोस्टल आर्टिकल सेल बी रिकॉल्ड नोर सेल बी द एड्रेस देयर ऑन बी अल्टर्ड अंडर दिस क्लॉज एक्सेप्ट अंडर एंड इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट द डायरेक्टर जनरल पोस्ट मास्टर जनरल और सच अदर अथॉरिटी एज मे बी ऑथराइज बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ आई द फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर इफ़ द आर्टिकल वाज पोस्टेड इन हिज ऑफिस और द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑफ एरिया, यानी मतलब ये इस तरह के जो काम है तो ये बिना किसी जो अथॉरिटी है, जैसे फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर या सुप्रिटेंडेंट, उनके बिना ये नहीं किया जा सकता। इसके लिए दोस्तों एन एप्लीकेशन फॉर द रिकॉल और अल्टरेशन ऑफ एड्रेस पॉलिटिकल पोस्टल आर्टिकल अंडर द दिस क्लास, यानी मतलब इस ऐसा कुछ करवाना चाहता है कोई तो उसके लिए एक एप्लीकेशन लगेगी। एप्लीकेशन के अंदर सब क्लास 3 के अंदर बताया गया है कि एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन के साथ में कुछ जो उसकी शुल्क है, फीस है, वो उस पर एप्लीकेशन फी फिक्स करनी पड़ेगी जो भी है, और आगे वेयर द एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल रजिस्टर्ड आर्टिकल, यानी मतलब कोई इंश्योर्ड या रजिस्टर्ड आर्टिकल के बारे में ऐसा कुछ करते हो आप, एप्लीकेशन लगाते हो इसके रिगार्डिंग, तो आपको जो ओरिजिनल रिसीट है उसकी रिसिप्ट की कॉपी लगानी पड़ेगी, और अगर एन एप्लीकेशन मेड अंडर सब क्लॉज 3 मे कंटेन ए रिक्वेस्ट दैट एनी कम्युनिकेशन दैट मे हैव टू एड्रेस टू ओपीसी इंडिया और फॉरेन कंट्री, यानी अगर किसी फॉरेन कंट्री से, इंडिया से अगर कोई फॉरेन कंट्री में इस तरह का करना चाहते हो तो वो डीजी की अप्रूवल चाहिए उसके लिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट सेल नोट एंकर एनी लाइबिलिटी बाई रीजन ऑफ मिस डिलीवरी ऑफ एनी पोस्टल आर्टिकल कंट्री ऑन एप्लीकेशन मेड अंडर दिस क्लॉज, अगर इसमें किसी तरह की मिस्टेक हो जाती है तो इसके लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं सरकार। अब दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा डिलीवरी, डिलीवरी के बारे में हम पढ़ते हैं। डिलीवरी की डेफिनेशन मैं बता देता हूँ कि द डिलीवरी ऑफ ए पोस्टल आर्टिकल एट द हाउस और ऑफिस ऑफ द एड्रेसी और टू एड्रेसी और हिज सर्वेंट और एजेंट और अदर पर्सन कंसिडर टू बी ऑथराइज टू रिसीव द आर्टिकल अकॉर्डिंग टू यूजुअल मैनर ऑफ डिलीवरिंग पोस्टल आर्टिकल टू द एड्रेसी इज डीम्ड टू बी डिलीवर्ड टू द एड्रेसी अंडर दिस पोस्ट ऑफिस एक्ट, यानी पोस्ट ऑफिस एक्ट के अनुसार डिलीवरी की जो डेफिनेशन वो क्या है, यानी किसी भी पोस्टल आर्टिकल की जो एड्रेसी का घर है या ऑफिस है या एड्रेसी का कोई सर्वेंट है या एजेंट है या दूसरा पर्सन जो एक तरह से माना जाएगा ऑथराइज, जैसे परिवार का सदस्य है घर पे, तो उनको उस आर्टिकल की डिलीवरी यानी वितरण करना ही डिलीवरी कहा जाता है पोस्ट ऑफिस के एक्ट के अनुसार। डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल, यानी नो रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ एनी काइंड विल बी डिलीवर्ड टू द एड्रेसी अनलेस एंड अनटिल ही और हिज एजेंट ऑथराइज इन रिटिंग हैज साइंड ए रिसिप्ट फॉर इट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विच विल बी प्रेजेंटेड टू हिम बाई सिग्नेचर और बाई
द पोस्टमैन वो डिलीवर द रजिस्टर्ड आर्टिकल, यानी जो रजिस्टर्ड आर्टिकल है उनकी डिलीवरी किस तरह से होगी, जो जिस व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड आर्टिकल बुक हुआ है वो उसी को डिलीवर होना है, या उसके द्वारा जो भी है ऑथराइज एजेंट है उसके द्वारा है, या अगर दूसरे किसी बंदे को अगर ऑथराइज करना है तो वो अपना रिटर्न में आवेदन देंगे कि ऑथराइज करेंगे कि मेरी डाक है इस बंदे को दे दी जाए, इस पर्सन को दे दी जाए। अब दोस्तों, रिफ्यूज़ल ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल प्रेजेंटेड फॉर डिलीवरी, यानी ऐसे आर्टिकल जो रिफ्यूज़ हो गए हैं और जो डिलीवरी के लिए प्रेजेंट किए जाते हैं उनके साथ क्या किया जाता है, इफ़ द एड्रेसी वाइल रिफ्यूजिंग टू टेक डिलीवरी ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ द रजिस्टर्ड आर्टिकल टू हिम मेक एन एप्लीकेशन इन राइटिंग टू द पोस्ट ऑफिस ऑफ डिलीवरी फॉर द डिटेंशन ऑफ आर्टिकल, और इफ द एड्रेस इज नॉट फाउंड एट द एड्रेस गिवन ऑन द आर्टिकल शैल बी डिटेन्ड इन द पोस्ट ऑफिस फॉर ए पीरियड एक्सेडिंग 7 डेज। समझ गए होंगे इससे, यानी मतलब कोई किसी तरह के आर्टिकल अगर जैसे रजिस्टर्ड आर्टिकल है अगर वो डिलीवर्ड नहीं हो पाता है या उस जगह पे बंदा नहीं मिल सकता है, या वो एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरा आर्टिकल आप 7 दिन तक रोक सकते हो। इफ द एड्रेस ही फेल्स टू टेक डिलीवरी टू द आर्टिकल फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस विद इन द सेड पीरियड 7 डेज, 7 दिन के अंदर वो अगर उस आर्टिकल को प्राप्त करने में असफल रहता है, द आर्टिकल विल बी रिटर्न टू द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग ऑफ द डिलीवरी टू द सेंडर, यानी रिटर्न टू सेंडर हो जाएगा वो। द रिमार्क रिफ्यूज विल बी रिकॉर्डेड ऑन आर्टिकल इफ द एड्रेस ही फेल्स टू टेक डिलीवरी आफ्टर रिक्वेस्टिंग द डिटेंशन, यानी ऐसी कंडीशन में रिफ्यूज का रिमार्क लगेगा उस पर, यानी अगर किसी ने ये बोल दिया कि मेरा आर्टिकल 7 दिन के लिए रोक लो, उसी दौरान वो फिर नहीं आता है आर्टिकल लेने अपना, तो फिर ऐसे आर्टिकल पे रिफ्यूज़ लिखकर उसको पोस्ट कर दिया जाता है रिटर्न टू सेंडर। नोट करने वाली बात है कि द एक्सप्रेशन ऑफिस ऑफ पोस्टिंग मींस द डिलीवरी ऑफ पोस्ट ऑफिस विच सर्व्स द एड्रेस टू द सेंडर, यानी मतलब जो जहाँ पे सेंडर का एड्रेस दिया हुआ है, जो सेंडर का एड्रेस है वो ऑफिस ऑफ डिलीवरी हो गया। स्पेशल प्रोसीजर फॉर डिलीवरिंग रजिस्टर्ड आर्टिकल टू फर्म ATC, जैसे कोई फर्म वगैरह है उसको डिलीवर आर्टिकल रजिस्टर्ड आर्टिकल कैसे डिलीवर करेंगे, उसके लिए क्या होगा, द रजिस्टर्ड आर्टिकल फॉर डिलीवरी टू फर्म ATC विच नॉर्मली रिसीव ए लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल रजिस्टर्ड आर्टिकल आर एंटर्ड इन ए स्पेशल लिस्ट टू इन डुप्लीकेट विच इज प्रेजेंटेड अलोंग विद द आर्टिकल एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, द एड्रेसी वो विल बी रिक्वायर्ड टू साइन द अपर कॉपी इन टोकन ऑफ रिसिप्ट ऑफ द लोअर कॉपी द लिस्ट अलोंग विद ऑल आर्टिकल रिटर्न द साइन एक्नोलॉजमेंट, नो इंडिविजुअल रिसिप्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द आर्टिकल एंटर्ड इन द स्पेशल लिस्ट, आर्टिकल ऑन विच एनी चार्ज आर बी रिकवर्ड विल नॉट बी एंटर्ड इन द स्पेशल लिस्ट, यानी किसी अगर कोई जैसे कोई फर्म है कंपनी है उसको जैसे उसके काफ़ी सारे अलग अलग जगह से रजिस्टर्ड आर्टिकल आते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल डिलीवरी स्लिप तैयार की जाती है, वो एक्नॉलेजमेंट अगर है उसके अंदर तो एक दो कॉपी में साइन होगी, तो जो ऊपर वाली कॉपी है उस पर सिग्नेचर करवा के और आर्टिकल हम ले आते हैं, और अगर उस पर किसी तरह का चार्ज रिकवर किया गया तो स्पेशलिस्ट पे कहीं भी मेंशन नहीं करना होता। डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल एड्रेस टू द पैरेंटनिजन सॉरी प्रधानिजन वोमेन, यानी वैन देन एड्रेसी ऑफ ए रजिस्टर्ड और एन इंश्योर्ड आर्टिकल इज प्रधानासीन वुमेन वो हैज़ नॉट एन एजेंट अपॉइंटेड इन राइटिंग टू टेक डिलीवरी और सच आर्टिकल और हर बिहाफ हर सिग्नेचर और मार्क इफ सी इलेटेड विल हैव टू बी अटेस्टेड बाई ए रिस्पेक्टेबल विटनेस ऑर्डिनली ए रिलेटिव नोन एज सच टू द पोस्टमैन द आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड टू द विटनेस वैन द विटनेस इज नॉट पर्सनली नोन टू द पोस्टमैन ही और सी मस्ट बिफोर टेकिंग डिलीवरी ऑफ द आर्टिकल बी आइडेंटिफाइड एंड द पर्सन वो आइडेंटिफाइज हिम विल बी रिक्वायर्ड टू साइन रिसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट एज ए विटनेस टू द डिलीवरी ऑफ आर्टिकल, यानी प्रधानासीन जो वुमेन है किसी तरह से उनको आर्टिकल देना है, अगर वो इलिटरेट है तो उस कंडीशन में विटनेस लेनी है, और विटनेस भी ऐसी होनी चाहिए नॉन टू द पोस्ट ऑफिस होनी चाहिए नॉन टू द सॉरी पोस्टमैन होनी चाहिए उसकी किसी तरह से आइडेंटिफिकेशन करके या साइन वगैरह जो भी उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है वो करना चाहिए। 40 नंबर है दोस्तों, डिलीवर ऑफ डैमेज रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ द लेटर एंड पार्सल मेल, यानी जो डैमेज रजिस्टर जो ख़राब हो गए किसी तरह से फट गए हैं वो ऐसे रजिस्टर आर्टिकल का या जो पार्सल है उनका किस तरह से निस्तारण करेंगे डिलीवरी करेंगे, वैन ए रजिस्टर्ड आर्टिकल टू द लेटर मेल और पार्सल इज रिसीव्ड इन द ऑफिस ऑफ डिलीवरी इन ए डैमेज कंडीशन ए नोटिस विल बी सेंट टू द पोस्ट सेंट बाई द पोस्ट मास्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ एड्रेस रिक्वेस्टिंग हिम टू अटेंड द पोस्ट ऑफिस विद इन 7 डेज इन द केस ऑफ इनलैंड आर्टिकल
15 days in the case of foreign article to take delivery of it either personally or through an agent. This notice will have to be produced at the post office before delivery is affected. If presented by an agent, his name should be entered on the form before it leaves the addressee custody. यानी किसी तरह का अगर कोई डैमेज आर्टिकल आ जाता है रजिस्टर्ड या पार्सल, तो उसको क्या करना होगा, पोस्ट ऑफिस से पोस्टमास्टर एक नोटिस भेजेगा पार्टी को, जो एड्रेस ही उसको नोटिस भेजेगा कि आपका आर्टिकल इस कंडीशन में आया है, आप पोस्ट ऑफिस में आके उसकी हालत देख लीजिए और आप अगर उसकी डिलीवरी लेना चाहते हो तो 7 दिन के अंदर आके उसकी डिलीवरी लीजिए, अगर कोई आर्टिकल फॉरेन से आया है तो उसको हम 15 दिन तक रोक सकते हैं। और एक नोटिस साथ में पोस्ट करना है कि अगर जब पोस्ट की डिलीवरी इज इफेक्टेड, इस तरह से कि मतलब आपकी डिलीवरी है वो ऐसे प्रभावित हो गई, इस कारण रोक दी गई है और आपके द्वारा जो भेजा गया एजेंट है वो उसमें जो भी कस्टडी एड्रेस है कस्टडी है उसके अंदर वो रिमार्क लगाएगा, इस तरह से लिखेगा जो भी मैटर है उसके अंदर इस कंडीशन में मिला। 41 है दोस्तों, डिलीवरी ऑफ पार्सल एंड पीरियड फॉर देयर डिटेंशन एट द ऑफिस ऑफ डिलीवरी, यानी ए पार्सल विच डज नॉट एक्सीड 10 kg, यानी ऐसा पार्सल जिसकी जिसका वजन 10 किलो से कम है, एक्सेप्ट जिसमें VPP और दोज एड्रेस टू पोस्ट रेस्ट नेम विल बी इशूड फॉर डिलीवरी ओनली वंस इफ इट कैन नॉट बी डिलीवर्ड थ्रू एनी कोज ऑफ फर्स्ट प्रेजेंटेशन बाय द पोस्टमैन, इट विल बी brought back to the post office and will not be issued again for delivery. A notice of arrival for the parcel will, however, be issued at the next delivery through the postman to the addressee for taking delivery parcel either personally or by an agent messenger authorized for the purpose. A parcel weighing above 10 kilograms in weight will be delivered only at the post office window. A similar notice will be issued to the addressee in such case also. Should the addressee और हिज ऑथराइज एजेंट फेल टू टेक डिलीवरी ऑफ पार्सल एट द पोस्ट ऑफिस विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द ऑफिस, द पार्सल विल बी ऑन द नेक्स्ट एक्सपायरी ऑफ द डेट पीरियड बी ट्रीटेड अनक्लेम्ड और डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द डिपार्टमेंट। यानी अगर कोई 10 किलो से कम का पार्सल है तो उसको पहले अटैम्प्ट में उसके घर पर डिलीवरी करने के लिए पोस्टमैन जाएगा, अगर वो वहाँ लेने में असमर्थ होता है तो वो पार्सल वापस आ जाएगा और उसको दोबारा डिलीवरी के लिए नहीं भेजना। और अगर पार्सल का वज़न 20 किलो है या जैसे 10 किलो से जितना भी ज़्यादा है तो उसको इंटीमेशन द्वारा ही वहाँ अगर 7 दिन के अंदर कोई लेने नहीं आता है तो उसको रिफ्यू अनक्लेम करके वापस भेज दिया जाता है। एंड 42 है दोस्तों, डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल। डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल क्या है कि एन आर्टिकल इंश्योर्ड बाई फॉर एनी सम नोट एक्सीडिंग 500 विल बी डिलीवर्ड इन द ऑर्डिनरी मैनर, 500 रुपये से कम जिसकी अगर इंश्योर्ड वैल्यू है तो उसको जो साधारण में तय क्या होता है कि जैसे रजिस्टर्ड आर्टिकल आते हैं स्पीड पोस्ट आते हैं उसी तरह से उसकी डिलीवरी कर दी जाएगी। एन आर्टिकल इंश्योर्ड फॉर मोर देन 500 विल बी डिलीवर्ड ओनली एट द पोस्ट ऑफिस विंडो, 500 रुपये से ज़्यादा जिसकी अगर इंश्योर्ड वैल्यू है तो वो सिर्फ पोस्ट ऑफिस के अंदर डिलीवर होंगे। Intimation of arrival being sent by the post office to the addressee of an insured article or his agent authorized in writing must sign in ink both the receipt or acknowledgement relating thereto, unless the outward appearance of the cover gives rise to the suspicion of tampering. In such case, he should arrange to open the article at the post office, will be prepared in duplicate, and must be signed by the addressee. One copy of the signed inventory will be forwarded by the post office to the sender with unsigned acknowledgement attached. In case the addressee or his agent is known to the known to the staff of the post office from which the insured article is to be delivered, the identification of addressee or his agent by a person known to the post office staff production and of evidence which will be establish his identity to a satisfaction of postmaster will necessary if so required by the डिलीवरी पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, जिस आर्टिकल की मैंने बताया कि 500 से कम वैल्यू है तो वो तो पोस्ट ऑफिस के अंदर ही उसी तरह से डिलीवर होगा जैसे साधारण जो भी रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट बंटते हैं। अगर 500 से ज़्यादा है तो कस्टमर के पास इंटीमेशन आएगी, वो
पोस्ट ऑफिस में आके अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन या किसी की नॉन टू द पोस्ट ऑफिस किसी स्टाफ का जानकार है तो अपनी उनकी विटनेस करवा के वो आर्टिकल प्राप्त कर सकता है। नोट करने वाली बात है कि वैन इंश्योर्ड आर्टिकल इश्यूड फॉर डिलीवरी इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द एड्रेसी, इट विल नॉट बी सेंट आउट ऑफ ए सेकेंड टाइम, एन इंटीमेशन ऑफ इट्स अराइवल विल बी मेड ओवर टू हिम, आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड एट द ऑफिस पोस्ट ऑफिस ऑन प्रेजेंटेंस ऑफ इंटीमेशन विद द रिसिप्ट एंड एनक्लोजमेंट ड्यूली साइंड। इफ द एड्रेसी ऑफ एन इंश्योर्ड आर्टिकल आफ्टर इंटीमेशन ऑफ इट्स अराइवल हैज बीन डिलीवर्ड ओमिट्स टू फैक डिलीवरी ऑफ द आर्टिकल विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द इंटीमेशन, इट विल बी रिटर्न टू द सेंडर एज द रिफ्यूज्ड। यानी कोई भी आर्टिकल अगर पोस्ट ऑफिस के अंदर आता है डिलीवरी करने के लिए, अगर उसको एड्रेस से मना कर देता है तो उस आर्टिकल को तुरंत रवाना कर देना है। अगर उस इंटीमेशन वो अगर विद इन द टाइम वो इंटीमेशन लेके वापस आ जाता है तो उसको डिलीवरी कर देनी है, वही सेम प्रोसेस रहेगा उसका। वैन द रिसिप्ट एंड अक्लोजमेंट ड्यूली साइन टुगेदर विद द इंटीमेशन आर प्रेजेंटेड बाई द एड्रेसी और हिज एजेंट टू द पोस्ट ऑफिस, ही मस्ट प्लेस हिज सिग्नेचर ऑन द इंटीमेशन इन प्रेजेंस ऑफ डिलीवरी असिस्टेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, सरेंडर द इंटीमेशन टू द पोस्ट ऑफिस इफ डिलीवरी इज टेकन। 43 नंबर है दोस्तों, डिलीवरी ऑफ वीपी आर्टिकल। वीपी आर्टिकल है वैल्यू पेबल, उनकी डिलीवरी किस तरह से होगी? इफ द अमाउंट टू बी रिकवर्ड ऑन ए वैल्यूएबल पार्ट आर्टिकल एक्सीडिंग रेट 100 rupees एंड इंटीमेशन ऑफ इट्स अराइवल विल बी सेंट टू सेंट बाई द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन टू द एड्रेसी, सच आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड एट द पोस्ट ऑफिस ऑन पेमेंट ऑफ द अमाउंट एंटर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ द इंटीमेशन इन केस ऑन प्रेजेंटेशन एट द पोस्ट ऑफिस ऑफ द इंटीमेशन विद द रिसिप्ट ऑफ द रिजर्व डेली साइन। यानी 100 rupees से ज़्यादा के अमाउंट है तो इंटीमेशन के द्वारा उसको पोस्ट ऑफिस में लेके आना पड़ेगा। इफ द अमाउंट टू बी रिकवरेबल ऑन वैल्यू पेबल आर्टिकल डज नॉट एक्सीड, अगर 100 rupees से ज़्यादा नहीं है तो आर्टिकल विल बी डिलीवर टू द एड्रेसी और हिज एजेंट इन ऑथराइज्ड इन राइटिंग बाय द पोस्टमैन एट द एड्रेसी रेजिडेंस ऑन पेमेंट ऑफ द अमाउंट रिकवरेबल ऑन द एड्रेसी और हिज एजेंट ऑथराइज्ड इन राइटिंग साइनिंग द रिसिप्ट ऑन द रिजर्व ऑफ इंटीमेशन प्रेजेंटेड विद द आर्टिकल। इफ द अमाउंट टू बी रिकवर्ड ऑन ए वैल्यूएबल आर्टिकल एक्सीड 25 rupees ज़्यादा द डिलीवरी इज टू बी मेड थ्रू ए विलेज पोस्टमैन वीपी एंड एक्स्ट्रा ADSO या BPM के द्वारा उसकी डिलीवरी करा दी जाती है। इफ द अमाउंट टू बी रिकवर्ड ऑन ए वैल्यूएबल पेबल आर्टिकल नोट बिलो 20 rupees टेकन डिलीवरी ऑफ द काउंटर पोस्ट द अमाउंट मे बी पेड आइदर इन कैश और बाई चेक अंडर द कंडीशन। ये तो इसमें दिया हुआ है 20-25-30 rupees के हिसाब से, थोड़ा सा और देख लेना एक बार। 44 नंबर है दोस्तों, डिलीवरी ऑफ आर्टिकल ऑन विच कस्टम ड्यूटी इज ड्यू, ऐसे आर्टिकल जिन पे कस्टम ड्यूटी ड्यू होती है उन आर्टिकल के क्या साथ क्या करना है कि आर्टिकल ऑन विच कस्टम ड्यूटी टू बी रिकवर्ड इन एक्सेस ऑफ 50 rupees आर ऑर्डिनरी डिलीवर्ड एट द पोस्ट ऑफिस विंडो एक्सेप्ट इन द केस ऑफ रेजिडेंसी एंड ऑल द पोस्ट ऑफिस विंडो एक्सेप्ट इन द केस ऑफ रेजिडेंसी ऑल फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस वेयर दिस लिमिट इज फिक्स्ड 100 rupees सच ड्यूटी मे बी पेड आइदर इन कैश और बाई चेक द लेटर अंडर द कंडीशन लेड डाउन इन द क्लास 94। यानी किसी आर्टिकल की 50 rupees तक अगर कस्टम ड्यूटी है तो वो साधारणतः पोस्ट ऑफिस विंडो पर, 50 rupees से ज़्यादा है तो साधारणतः पोस्ट ऑफिस की विंडो पर डिलीवर होगा। अब डिलीवरी फीस है दोस्तों, स्मॉल पैकेट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर चार्ज्ड ऑन डिलीवरी ए डिलीवरी फीस एट द रेट एज गिवन इन पार्ट सेकंड ऑफ द पीओ गाइड सेकंड के अंदर ये दिया हुआ है इसकी रेट क्या है फॉरेन आर्टिकल की डिलीवरी फीस। अरेंजमेंट फॉर डिलीवरी ऑफ अवर वैल्यू आर्टिकल एट नॉन डिलीवरी टाउन पोस्ट ऑफिस फॉर द कन्वेंस ऑफ पब्लिक वो आर रिक्वायर्ड टू कॉल एट द पोस्ट ऑफिस फॉर टेकिंग डिलीवरी ऑफ अवर वैल्यू इंश्योर्ड और वीपी आर्टिकल एज इंडिकेटेड इन क्लास 42-43 सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस आर ऑथराइज टू एम्पावर नो डिलीवरी टाउन पोस्ट ऑफिस टू डिलीवर सच आर्टिकल एट द विंडो इवन थ्रू दे डू नॉट परफॉर्म एनी डिलीवरी वर्क एन इंडिकेशन रिगार्डिंग सच ऑफिस विल बी फाउंड इन द लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस इन पार्ट 3 पीओ गाइड। अब 47 है दोस्तों, पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर द पेमेंट ऑफ ए मनी ऑर्डर विल बी ऑर्डरली बी मेड एट द एड्रेस यू पे, ये सब नॉर्मल चीज़ें जो हम लोकल
नॉर्मल बिहेव में करते हैं कि सीधा जैसे एड्रेसी को उसके एड्रेस पे पटवाने के लिए भेज देते हैं और जो पे किए जो एक्नोलेजमेंट है उसको साइन करवा के ले आते हैं। द कूपन शुड बी रिटर्न्ड बाय द पे, और जो पे है उसको वो कूपन भेज दिया जाता है एक्नोलेजमेंट। इफ द मनी ऑर्डर इज पेबल टू ए पर्सन हु इज नॉट परमानेंटली रेजिडिंग विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ पेमेंट और पर्सनली नॉट नोन टू द पोस्ट मास्टर और एनी ऑफ हिज सबॉर्डिनेट, द मनी ऑर्डर विल बी पेड ओनली ऑन सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ क्लेमेंट विद द पर्सन नेम्ड इन द मनी ऑर्डर। यानी ऐसे व्यक्ति होते हैं कुछ जो मतलब परमानेंटली वहाँ नहीं रहते और किसी के जानकार भी नहीं होते, तो उनके लिए एक प्रूफ लेना पड़ता है जिससे आप संतुष्ट हो जाओ, वैसा प्रूफ लेके उसको पेमेंट कर सकते हो। स्पेशल अरेंजमेंट आर अवेलेबल एट रिपोर्टेड पोस्ट ऑफिस फॉर द पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर बाई चेक और पोस्टल पे ऑर्डर और बुक एडजस्टमेंट इन द केस ऑफ फर्म्स बिजनेस आवर्स गवर्नमेंट ऑफिसेज विच रिसीव ए लार्ज नंबर ऑफ मनी ऑर्डर और वेयर द अमाउंट ऑफ मनी ऑर्डर पेबल इज सिंगल पर्सन एक्सीडिंग 100 रुपीज़। यानी जो कुछ स्पेशल अरेंजमेंट कराया जाता है, जैसे जो भी जहाँ कुछ ऐसे ऑफिस होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में मनी ऑर्डर आते हैं, उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट कराया जाता है स्टाफ का। नोट करने वाली बात है, ए पे कैन नॉट हैव पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर बोथ बाई चेक और बाई पोस्टल पे ऑर्डर। ए पे कैन नॉट हैव पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर, जैसे किसी कोई एक मनी ऑर्डर को बुक करवाने आया है तो उस कंडीशन में वो ये नहीं है कि मतलब चेक भी देगा और पोस्टल ऑर्डर देगा। जैसे 500 रुपये के अमाउंट है, ये नहीं कि 200 रुपये का पोस्टल ऑर्डर दे दिया, 300 रुपये का चेक दे दिया, नहीं, एक ही चीज़ चलेगी। ए मनी ऑर्डर एक्सीडिंग रेट 500 इज नॉट नॉर्मली पेड बाई द विलेज पोस्टमैन, पेमेंट ऑफ सच मनी ऑर्डर विल बी मेड एट द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस विच इंटीमेशन विल बी सेंट थ्रू द विलेज पोस्टमैन, 500 रुपीज़ लिमिट है बी यू के लिए। इन सर्टेन केसेस मनी ऑर्डर अप टू ₹2000 आर पेड बाई द विलेज पोस्ट, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो उनको, जैसे पेंशन वाले मनी ऑर्डर हो गए, इनके लिए मतलब ऐसी कंडीशन में 2000 रुपये तक के अमाउंट पेड कर सकते हैं। 48 नंबर है दोस्तों क्लास की, ड्यूटीज ऑफ पोस्टमैन एंड अदर डिलीवरी एजेंट, पोस्टमैन एंड अदर डिलीवरी एजेंट आर फॉरबिडन टू डिलीवर एनी आर्टिकल ऑन विच एनी सम ऑफ मनी इज ड्यू टू द पोस्ट ऑफिस वेदर ऑन अकाउंट ऑफ पोस्टेज कस्टम ड्यूटी और एनी अदर अकाउंट विदाउट रिसीविंग इमीडिएट पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द डिलीवरी एनी रजिस्टर्ड इंश्योर्ड लेटर पार्सल विदाउट ऑब्टेनिंग द सिग्नेचर ऑफ एड्रेसी और हिज एजेंट ऑन द रिसिप्ट और एक्नोलेजमेंट दे आर आल्सो फॉरबिडन टू डिवाइड फ्रॉम द देयर प्रेस्क्राइब बिट एंड कैन नॉट देयर फोर बी रिक्वायर टू कॉल अगेन टू रिसीव पेमेंट ऑफ सम ड्यूज दे आर नॉट बाउंड टू गिव चेंज। 49 है, डिलीवरी ऑफ आर्टिकल एट द पोस्ट ऑफिस विदाउट ए डिलीवरी एजेंट, इन द केस ऑफ स्मॉल पोस्ट ऑफिस इन द रूरल एरिया वेयर ए सेपरेट पोस्टमैन और डिलीवरी एजेंट इज नॉट अटैच टू द पोस्ट ऑफिस द पोस्ट मास्टर विल मेक अरेंजमेंट टू द डिलीवर अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिलीवर द रजिस्टर्ड आर्टिकल एंड इंश्योर्ड आर्टिकल एंड पे मनी ऑर्डर एट द पोस्ट ऑफिस बाई सेंडिंग फॉर द एड्रेसी एंड पेइंग। अब रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल, द एड्रेसी ऑफ एन आर्टिकल इज नॉट बाउंड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन इट द पोस्ट ऑफिस डज नॉट इफ ही डज नॉट वॉन्ट टू टेक डिलीवरी ऑन इट, इन दिस केस द वर्ड रिफ्यूज विल बी रिटर्न बाई द पोस्टमैन अक्रॉस द कवर। यानी द एड्रेसी ऑफ एन आर्टिकल इज नॉट बाउंड टू पे द अमाउंट ड्यू, अगर किसी तरह के अमाउंट जैसे VP आर्टिकल वगैरह कुछ आती है और वो कस्टमर देने से मना कर देता है कि मैं अमाउंट नहीं दूंगा, इस तरह की आर्टिकल मुझे दे दो, तो आर्टिकल कस्टमर इस पर रिफ्यूज़ का रिमार्क लगा के भी लौटा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 34 से लेकर 50 तक क्लॉज के बारे में जाना। अगर आपका कोई इसमें रिलेटिंग कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ में नहीं आई, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, जहाँ तक हो शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करते जाना। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।